हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैं जा रही थी ऑफिस, तो मैंने सोचा क्यों ना क्विक सी एक वीडियो बनाई जाए कि कैसे आप अच्छे लग सकते हो मिनिमल मेकअप के साथ, प्रेजेंटेबल लग सकते हो। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को थोड़ी थोड़ी सी हैक्स बताऊँगी, थोड़ी थोड़ी सी टिप्स बताऊँगी। और मैं तो जा रही थी ऑफिस, लेकिन ये वीडियो कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग लड़कियों के लिए भी बेस्ट है। तो टिप्स तो हर जगह ही अप्लाई हो सकती है ना, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार मस्ट है। तो ये है ड्रेस, मैंने रात को ही इसको प्रेस करके रख लिया था और ये बहुत खूबसूरत प्रिंट है। और जो साथ इसका ट्राउज़र है, उसके पांचों पे बहुत खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये ड्रेस मैंने रात को ही चूज़ कर लिया था और प्रेस कर लिया था, इससे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ड्रेस इस तरीके का लग रहा है पहन के। अब मैं सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लूँगी, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी और मिनिमल से मेकअप करूँगी, ताकि मैं मैनेजेबल भी लगूँ और प्यारी भी लगूँ एट द सेम टाइम। ये सुबह की मेरी कोई ख़ास स्किन केयर रूटीन नहीं होती, मैं जो भी स्किन केयर रूटीन करती हूँ वो नाइट में ही करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा दिया और टैप 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 कर दिया, ताकि एक जागी हुई लुक आ जाए, वरना तो फिर सोई सोई आंखें लग रही होती हैं। मेरी जो बीबी क्रीम है, यही मैं रोज़ाना फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो इसके अंदर SPF 30 है, तो मुझे एक्स्ट्रा सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है ओरिफ्लेम की A to Z वाली बीबी क्रीम। तो मैं जस्ट थोड़ा सा लूँगी और उसको बस अप्लाई कर लूँगी, जस्ट इतना सा लेना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने हाथ में ही और यूँ करके लगा लूँगी। मैं तो हाथों से ही अप्लाई करती हूँ भाई, क्योंकि स्पंज मैं रोज़ाना यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा टैप 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 कर लूँगी। मेरे बाल जो हैं लंबे हैं, तो वो सूखने में टाइम लगता है उनको, तो इसलिए मैं रात में ही बात नहा लेती हूँ। तो इस चीज़ से भी मैं फारिग हो जाती हूँ। और अगर आप लोग मेरी तरह लेज़ी हो, लोग को टाइम ज़्यादा लगता है तैयार होने में, तो आप रात में ही अपनी एक्सेसरीज डिसाइड कर लो। जो भी ड्रेस पहनना हो आप उसको डिसाइड कर लो और उसको प्रेस करके रख लो। फिर सुबह ये होता है कि ना रात में नहाए हुए होते हैं, हर चीज़ डिसाइडेड होती है ना, तो फिर तैयार होने में क्विक इस तरह से लगता है। तो सुबह सिर्फ आराम से नाश्ता करो, अच्छा सा नाश्ता करो और थोड़ा सा मेकअप कर लो लाइट सा, और एक्सेसरीज पहनो और यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट मैं ये अप्लाई करूँगी मेबलिन का पाउडर फाउंडेशन। ये तो यार बेस्ट है, मतलब ये आप अपने बैग में भी रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो भाई पड़ती है। ये मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। इससे जो है ना, सारा जो वो एक होता है ना शाइन वाला टेक्सचर, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। इसको जस्ट मैं टैप 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 कर रही हूँ, ये बहुत लाइट और प्यारी सी कवरेज देता है। इसको भी टैप 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 कर लूँगी। और आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ये लड़की हर चीज़ में टैप 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 क्यों करती है, क्योंकि टैप करने से एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, और जो भी चीज़ हमने अप्लाई की हुई होती है ना, तो वो ब्लेंडेड हो जाती है हमारी स्किन के साथ, बिल्कुल नेचुरल लग रहा होता है, जैसे कि अभी लग रहा है। एक पेल लुक आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए, ये लोकल है, ब्रांडेड नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लग गया, शॉन लग गया। अब मैं लिपस्टिक बाद में लगाऊंगी, पहले मैं अपने हेयर्स की तरफ आ जाती हूँ। ये करूँगी मैं इस तरीके से, ठीक है। एक लट ली है, नीचे वाली लट लेंगे, एक और वो जस्ट क्रॉस 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 कर दूँगी, मतलब करती जाऊँगी मैं। ये बहुत ही क्विक तरीका है कि आप अपने बालों को भी प्रेजेंटेबल, मतलब आपके बाल भी प्रेजेंटेबल लगें आपके ओवरऑल लुक की तरह। और ये एक बहुत ज़्यादा क्विक तरीका है हेयर स्टाइल बनाने का। आप जल्दी में हो ना, तो ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन में मम्मी काम कर रही है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे मैंने क्रॉस 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 किया है, इससे ना आगे जो बाल है ना वो आपको तंग भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैं इसको इस तरीके से पिनअप करूँगी। अच्छा, यहाँ से भी मैंने बना ली है, ठीक।
ठीक है, कितना ज़्यादा एलिगेंट लुक आ रहा है। अब मैं ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी, आप बोलेंगे इतनी रेड लिपस्टिक क्यों लगा रही हैं, न्यूड लिपस्टिक और ये वो लगाएं। तो आज क्योंकि मैंने रेड कलर तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करना है, मैं ज़्यादा इसको नहीं लगाऊंगी, जस्ट ऐसे ऐसे करूँगी। एक प्यारा लाइट रेड शेड बन गया है जो कि मेरी ओवरऑल लुक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं रोज़ाना बेसिस पे जो है ना वो मस्कारा नहीं लगाती, क्योंकि एक दो घंटे बाद मेरी आँखों जब से जो है ना वो पानी आना शुरू हो जाता है, मेरी आँखें भारी हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं। तो मस्कारा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ उसको। सिर्फ मैं अपने जो है ना लैशेस कर्ल कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा हो गया ना। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो ना तो आप ये जस्ट कर्लर ले लिया करो और कर्ल कर लिया करो, अच्छा लग रहा है ना। और ये इसको बैग में ही रख लिया करो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जैसे एक आध घंटे के बाद ना ये फिर नीचे हो जाएंगी, तो आप फिर दोबारा से इसको ऊपर कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए। तो एक्सेसरीज में मैंने चेन पहनी हुई है, सिंपल सी है ये, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत इस तरीके से बनी हुई है, मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इस टाइप की इयररिंग्स हैं। तो अगर आप लोग के पास आर्टिफिशियल हो तो आप उस तरीके से ही पहन सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो झूमर ये वो अच्छे नहीं लगते हैं ना, ऑफिस में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ऐसे अच्छे नहीं लगता है। तो आप सिंपल तरीके से इस तरीके से आप पहन सकते हो। और रिंग मस्ट है, रिंग इसलिए मस्ट है क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं ना, तो सबकी नज़रें इस तरफ जाती हैं, और तो हमारा एक इम्प्रेशन, एक जो है ना एक्सपेंसिव वाला इम्प्रेशन आ रहा होता है कि हाँ भाई प्रेजेंटेबल है और एक्सपेंसिव, अपना ख्याल रखती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल रखा करें। वॉच नहीं भूलना है, वॉच बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा होता है। और बस मेरा भी टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, तो जल्दी जल्दी से मैं बता देती हूँ कि ये आपने इस तरीके से वॉच भी पहननी है, इस मतलब सिंपल हो जिस तरीके से ये है ना, बहुत ज़्यादा आपका लुक जो है ना यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो वॉच भी मस्ट है। तो ये इसका दुपट्टा है, एक्चुअली ये टू पीस सूट था और ये मैंने अलग से लिया है। मैं ज़्यादातर जॉर्जेट के दुपट्टे ही लेती हूँ अपने मतलब वॉर्ड्रोब के साथ, क्योंकि जॉर्जेट के दुपट्टे ये होता है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं हिजाब कर लूँ, ठीक है, और कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे पहन लूँ, तो ये अच्छा लगता है। और जिन लड़कियों की हाइट छोटी है मेरी तरह, तो उनके ऊपर यार कॉटन लॉन के दुपट्टे अच्छे नहीं लग रहे होते। इसको आप इस तरीके से ही पहन सकते हो यूँ करके, ठीक है। और दुपट्टा मस्त है यार, मैंने देखा है लड़कियों को दुपट्टा आजकल नहीं पहनती, इस तरीके से भी आप पहन सकते हो, देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो हर तरीके से बता रही हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि दुपट्टा मस्त है, ये आपको पूरा कंप्लीट कर देता है, ओवरऑल लुक ना आपका कंप्लीट कर देता है। यूँ भी ले सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, या यूँ ले लो एक साइड पे। तो जॉर्जेट के दुपट्टों का ना ये अच्छी बात होती है, आप किसी भी तरीके से इसको कैरी कर सकते हो, बताने का मकसद मेरा ये था। अब मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगा लूँगी, ये है जे डॉट का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये तो मेरे बैग में कैरी भी हो जाता है लेकिन मैं इसको लेके नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा सा ना मैं स्प्रे कर लूँगी। तो उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा ही होगा। तो अगर सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और लाइक करना तो मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये लुक कैसा लगा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।